हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। मुस्लिम लॉ में हम आज नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज को स्टडी करेंगे। नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज के टॉपिक पर जंप करने से पहले ही हम जान लेते हैं कि मुस्लिम मैरिज जिसे हम निकाह बोलते हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सो डैट हमें नेचर का भी मैरिज ऐसी मैरिज के नेचर का भी थोड़ा प्राइमा फेसाई आइडिया मिल जाए। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो आपके सामने आता है अगर आप कई जूरिस्ट को रीड करते हैं तो वो है कि परमानेंट सेक्शुअल इंटरकोर्स के लिए एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए भी एक लेजिटिमेट रिलेशनशिप क्रिएट होता है। इसके अलावा सेक्सुअल पैशन या डिज़ायर्स जो भी हैं उन पर एक रिस्ट्रेंट लग जाती है क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में एंटर हो जाते हैं और आप कोई अन्य एवेन्यू ऐसी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए नहीं देख सकते। उसके अलावा फैमिली की स्थापना मैरिज के इंस्टीट्यूशन से ही होती है, जहाँ पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ और बच्चों की केयर करने के लिए ऑब्लाइज्ड होता है और मैरिज का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो है संस्कारी और अच्छे आइडियल्स वाले बच्चों की परवरिश करना। इसके अलावा जर्नल आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कोहैबिटेशन सोसाइटी यानी कि कंपेनियनशिप का एक ऑब्जेक्टिव एक दूसरे को देंगे दोनों पार्टनर्स, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो मैट्रिमोनियल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं वो शेयर करेंगे दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के प्रति। इसके अलावा एक बड़ा ही जनरल ऑब्जेक्टिव कि मानव जाति आगे बढ़ती रहे, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ ह्यूमन रेस। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो है नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज, क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल है या सेक्रमेंट है। हम इसे ऐसे ही डिस्कस करेंगे जैसे हमने हिंदू लॉ में नेचर ऑफ हिंदू मैरिज देखा था कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल थी या सेक्रमेंटल। तो हम देखते हैं कि क्या है असल नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज जिसे निकाह बोलते हैं, यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है या सेक्रमेंट है। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट के पहलू से इसे देखते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल इम्प्रिंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट की छाप है एक मुस्लिम मैरिज निकाह पर। फर्स्टली इजब और कबूल का कॉन्सेप्ट, आप जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं सामने से आपको ऑफर आती है फिर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही मुस्लिम मैरिज में भी इजब और कबूल यानी कि इजब यानी ऑफर और सामने से कबूल यानी कि एक्सेप्टेंस होती है। वैसे ही अगर आपकी कोई कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, तो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकती, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। वैसे ही मैरिज के केस में भी मुस्लिम मैरिज केस में सेम सिनारियो है। इसके अलावा अगर कोई माइनर किसी एग्रीमेंट में एंटर होता है अपने गार्डियन के बिहाफ पे, तो फिर जब वो मेजर हो जाता है तो वो ऐसे एग्रीमेंट को सेट असाइड कर सकता है। वैसे ही मुस्लिम मैरिज भी ये प्रोविजन अलाउ करती है माइनर्स को। इसके अलावा जैसे कॉन्ट्रैक्ट और पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट कई एग्रीमेंट्स हो सकते हैं पार्टीज़ के बीच में जो मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे पहले, वैसे ही प्री नप्शियल और पोस्ट नप्शियल यानी कि शादी से पूर्व और शादी के बाद कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जो इन्फोर्सिबल होंगे, तो ये भी अलाउ करता है मुस्लिम लॉ सिमिलर टू डैट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा कुछ लिमिट्स तक, कुछ हद तक जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम ऑल्टर कर सकते हैं, वैसे मैरिज के भी कुछ लिमिट तक टर्म्स ऑफ मैरिज ऑल्टर कर सकते हैं मुस्लिम लॉ में। ये हम आगे जाके देखेंगे ये टर्म्स क्या होंगी। और इसके अलावा ऑल दो होली कुरान और हदीस ये नहीं बोलती, इनक्रेज नहीं करती है कि ब्रीच ऑफ मैरिज हो, मैरिज टूटे, डाइवोर्स हो, लेकिन ब्रीच ऑफ मैरिज का सिमिलरली जैसे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन है, वैसे ब्रीच ऑफ मैरिज का भी मुस्लिम मैरिज में प्रोविजन रहता है। इसके अलावा जस्टिस महमूद ने अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा में एक बात कही थी कि उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मुस्लिम मैरिज एक तरह से प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और सेक्रमेंट नहीं है। तो क्या हम ये मान लें कि सिंस एक जुडिशल केस में ये बोला गया है तो इसका मतलब बस यहीं पर टॉपिक ख़त्म होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही स्थापित हो गई है मुस्लिम मैरिज और सेक्रमेंट नहीं है। तो ये बता दें, ये जस्टिस महमूद ने अब्दुल कादिर और वज़ीर सलीमा में ये एक पासिंग रिमार्क, एक ओबेटर डिक्टा दिया था, एक ऑब्जर्वेशन थी उनकी, ना कि ये कोई जजमेंट थी, और इसलिए ये बाइंडिंग नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्रमेंटल एस्पेक्ट की मुस्लिम मैरिज के। अब यहाँ पर ये डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन है, ये पहले ही आपको बताया था। तो यहाँ पर कुछ लोग ये मानते हैं कि ये प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट सेक्रमेंट भी है, जैसे उनमें से एक हैं जस्टिस सुलेमान जिन्होंने रिव्यू की थी अब्दुल कादिर वाली जजमेंट जहाँ जस्टिस महमूद ने उसे प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट बोला था। और यहाँ पर जस्टिस सुलेमान ने रेफरेंस दिया था मौलवी समीउल्लाह का कि मौलवी समीउल्लाह ने कई ऐसी अथॉरिटीज़ ऐसे टेक्स्ट दिए हैं, पेश किए हैं, जहाँ पर वो साफ तौर से ये बताते हैं कि ये मेयरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट एक रिलीजियस सेक्रमेंट भी है।
तो क्या अब ये इससे एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये सैक्रामेंट भी है? अगेन नहीं, क्योंकि ये अगेन एक जजमेंट नहीं थी, ये जस्टिस सुलेमान ने बस एक ऑब्जर्वेशन, एक ऑबिटा डिक्टा थी, तो ये अगेन बाइंडिंग नहीं है। तो हम इसमें भी सैक्रामेंट के इम्प्रिंट देखते हैं, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस किया। तो अब हम देखते हैं इन पर्टिकुलर सैक्रामेंटल इम्प्रिंट्स क्या है मुस्लिम मैरिज के केस में। सबसे पहले हम बात करेंगे खुतबे की, जो खुतबा या फिर सरमन्स होते हैं जो एक निकाह होता है उस टाइम पढ़े जाते हैं। तो ना तो ये नॉट ओनली दे पब्लिसाइज द मैरिज कि वो सबको बताते हैं कि शादी हो रही है, और हस्बैंड वाइफ को, जो वुड बी हस्बैंड एंड वाइफ है, उनको बताते हैं कि उनकी फ्यूचर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं, लेकिन ये एक तरह से मैरिज को सैंक्टिफाई भी करते हैं, ये एक तरह से मैरिज को एक रिलीजियस टच भी देते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के पर्सपेक्टिव से कुछ खास बातें बताते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के केस में कई बार कॉन्ट्रैक्ट में हम टाइम लिमिट रख देते हैं कि इतने टाइम के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो ये हम या तो इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे या डिस्चार्ज, उसे भी एक तरह से डिस्चार्ज मान लेंगे। तो आप मैरिज के केस में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं रख सकते कि मैरिज सिर्फ इतने से इतने टाइम तक चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी, ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगी। तो ये एक एलिमेंट है जहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह मैरिज नहीं बिहेव कर रही। ऑब्वियसली यहाँ एग्जाम्पल आपके पास है एक्सेप्शन मूटा मैरिज की, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे, पर वो एक एक्सेप्शन है और वो जनरली फॉलो नहीं की जाती ऑल अक्रॉस द मुस्लिम इस्लामिक वर्ल्ड। उसके बाद जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है किसी अनसर्टन फ्यूचर इवेंट पे। मैरिज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, मैरिज किसी अनसर्टन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड नहीं करती। वैसे ही अगर आपके पास लेट से कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है, वहाँ पर अगर दूसरी पार्टी आपके पैसे नहीं देती है तो आप ऑब्वियसली राइट ऑफ लियन है आपके पास, या फिर आपके पास राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट भी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें, या फिर आप रीसेल भी कर सकते हैं उस गुड को किसी और थर्ड पार्टी को। आप पर मैरिज के केस में ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी वाइफ का डावर नहीं दिया गया है उनके हस्बैंड के द्वारा, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि किसी थर्ड पर्सन के पास चली जाए और अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दें या किसी और के साथ रहना शुरू कर दें। तो इन पहलुओं से कॉन्ट्रैक्ट जैसी बिल्कुल नहीं है मुस्लिम मैरिज। तो अल्टीमेटली जो हम एनालिसिस कर सकते हैं ये दोनों एस्पेक्ट्स को देख के, कॉन्ट्रैक्ट के और फिर सैक्रामेंट के एस्पेक्ट को देख के, हम ये बोल सकते हैं इट इज़ नाइदर प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट नॉर अ सैक्रामेंट, इट इज़ ब्लेंडिंग ऑफ द बोथ, या फिर हम बोल सकते हैं इट हैज़ सेम्बलेंस ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सैक्रामेंट। तो ये था आपका आज का लेक्चर नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज पर। आपको इस टॉपिक पर मॉडल आंसर दिया जाएगा, MCQs भी दिए जाएंगे। इनकी PDF के लिए आपको हमारा WhatsApp ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और आपको बता दें मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 5 अक्टूबर को आपका एविडेंस का मॉक है। आप इंडिविजुअल मॉक्स भी हमारे परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन पर जाकर एनालाइज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो आप पूरा फुल सीरीज़ के लिए एनरोल करवा सकते हैं। बिहार जुडिशियल सर्विस की बड़ी शॉर्ट एंड इफेक्टिव मॉक टेस्ट सीरीज़ हमारी आ चुकी है। ये 6 मॉक्स हैं इसमें, ये 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, 2 मॉक ऑलरेडी हो चुके हैं जब आज ये वीडियो बन रही है। तो आप अगर इसको भी परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर लिंक है, ब्रोशर रीड कीजिए। इसका भी इंडिविजुअल मॉक परचेज करके आप एनालाइज कर सकते हैं और फिर पूरी सीरीज़ के लिए आप एनरोल करवा सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।